फ्रेंड्स, मैं पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ वोटर सर्विस में अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो पहले आपको voters.eci.government.in के वेबसाइट में जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सिंपली आप क्लिक कर देना। तो आपको ऐसे दिखेगा पहला पेज। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तब आपको स्टेट, अपनी स्टेट डाल देनी है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, और सिलेक्ट एसी ऑफ आपकी सिटी जो होगी आपको वो सिलेक्ट करना है, करनी है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ दिखाई देगा नेक्स्ट बटन, यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका, आपको फर्स्ट नेम सरनेम लिख देना है। फिर आपको अपलोड फोटोग्राफ, अनसाइन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ डाल देनी है। 4.5 cm × 3.5 cm फुल फेस एंड वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB और JPG फाइल में होनी चाहिए, JPG में चाहिए। और आपको यहाँ डाल देनी है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कर दिया तो आपको ऐसे दिखेगा, रिलेटिव फादर मदर हस्बैंड वाइफ लीगल गार्डियन इन केस ऑफ और थर्ड जेंडर, या आपके जो हो गए फादर, इसे मैं क्लिक कर देती हूँ। आप नेम डालिएगा और सरनेम, आपको आपने यहाँ नेम डाल दिया या मराठी में टाइप होकर आएगा, आप सिंपली नेम और सरनेम डाल दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। आपका मोबाइल नंबर होगा तो सेल्फ रिलेटिव मेंशन है वो, एंड सेल्फ पे क्लिक कर देना है। और आपका मोबाइल नंबर डालकर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP डालकर वेरीफाई कर देना है। फिर ईमेल आईडी सेल्फ और रिलेटिव आपका जो होगा वो आप टिक कर देना। फिर ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना आधार नंबर लिख देना है, आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। और आधार नंबर पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पे लिख देना है, आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। और आधार नंबर पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको जेंडर लिख देना है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर फीमेल आपका जो होगा वो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटैचेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच, या आपको डेट ऑफ बर्थ का जो भी है आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप यहाँ डाल सकते हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये डाल दिया तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट किया तो आपको एड्रेस लिख देना है, प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, फुल एड्रेस आपको लिख देना है, आपका हाउस, बिल्डिंग नंबर, एरिया, स्ट्रीट, लोकेलिटी, रोड, मोहल्ला, विलेज, टाउन आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, ये सब आपको लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यह आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ डाल देनी है, आपका जो एड्रेस है वो सही है क्या नहीं, इसलिए आप पैन कार्ड या आधार कार्ड, आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा वो आप यहाँ डाल सकते हो, उसकी PDF।
और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है, आपको डिसेबिलिटी नहीं होगी तो आप मत कर देना। उसके बाद सर्टिफिकेट अटैच, आपको डिसेबिलिटी होगी तो यस कर देना और नहीं होगी तो नो। यस होगी तो आपको सर्टिफिकेट या डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ फैमिली मेंबर का नेम लिख देना है, नेम ऑफ अ फैमिली मेंबर। उसके बाद रिलेशनशिप लिख देनी है, और रिलेशनशिप फादर मदर हस्बैंड एंड लीगल गार्डियन। और उसके बाद हिज हर ईपिक नंबर, और जिसने भी आपका पहले वोटिंग वोटर सर्विस पोर्टल पे इलेक्शन का वो वोट आईडी का निकाला होगा तो उसका जो वो आईडी होता है नंबर ईपीआईसी नंबर आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में जाना है, आपका विलेज टाउन स्टेट आपको लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ आपको आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन सेक्शन 86 फॉर्म, यहाँ आपको डेट लिख देनी है। और यहाँ आपको प्लेस और डेट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कैप्चा डाल देना है और प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐसे दिखेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक कर दिया तो आपको रेफरेंस नंबर आएगा, इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। और फिर आपको कॉपी कर देना है। फिर आपको ट्रैकिंग करते समय इसका फ़ायदा हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया तो आपको सब फॉर्म दिखेगा। फिर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर आप देख सकते हैं आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है। अच्छा, रेफरेंस नंबर में आपका जो फॉर्म था उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको स्टेट लिख देनी है आपकी, और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ आपका रेफरेंस नंबर से आपको दिखेगा आपका फॉर्म सबमिशन डेट और करंट स्टेटस सबमिट हुआ है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं आपका फॉर्म कहाँ गया है, आप कब तक आपको मिलेगा आपका कार्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी चौरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।